सलाम बीबी जी। शाम को एक कप चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रही है। अभी बना दे। बाबा आ गए? नहीं जी, अभी तक तो नहीं आए वो। अच्छा, बस चाय ले। बीबी जी, ये साहब भी बड़े साहब का इंतजार कर रहे हैं। आहिर आप? सॉरी, मेरी नजर नहीं पड़ी। जाहिर है, अब आप इतनी अमीर हो गई हैं कि हम पर आपकी नजर ही नहीं पड़ती। मैं तो अब भी वही रानी हूँ, लेकिन दौलत को इंसानों पर तरजीह देने वाले मेरी बात नहीं समझेंगे। खैर, कोई बात नहीं, इनके लिए भी एक कप चाय बना दें। जी नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। इट्स ओके। क्यों, जरूरत क्यों नहीं है? चाय पीना छोड़ दिया आपने? आइए। पहले तुम मुझे एक बात बताओ रानिया, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? वो डॉक्टर वासिक तुम्हारा भाई नहीं है, ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कब छुपाया और आपने पूछा कब था मुझसे? हाँ ठीक है, मैंने तुमसे नहीं पूछा था, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझसे जिक्र तो करना चाहिए था ना। किस बात का जिक्र? मुझे तो लग रहा है आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अब तुम्हें ना मैं ठीक लगूंगा और ना मेरी तबीयत ठीक लगेगी। ऐसी बातें करेंगे ना तो वाकई ठीक नहीं लगेगी। बहुत चेंज हो गई हो रानिया, अगर वो डॉक्टर वासिक तुम्हारा भाई नहीं है तो वो इस घर में किस हैसियत से रह रहा है? बाबा आते होंगे ना, आप उनसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? और अपना इतराज भी रिकॉर्ड करवा दीजिएगा। मुझे लगता है कि साले के घर आप बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, अभी तो ऐसे अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मैं कोई अजीब बात नहीं कर रहा हूँ, और ये डॉक्टर वासिक ना, कि तुम मुझे एक आंख नहीं भाता। तो ये आपका मसला है, मेरा नहीं। और आपको अच्छा कौन लगा है आज तक? हमेशा से आप अपने ही गुनगाते आए। आपको तो ये लगता है ना कि किसी भी लड़की को आंख भर कर देख लेंगे तो वो आपकी मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगी। गलत फहमी है आपकी। और याद रखिएगा, खुद की पूजा करने वाले ना अक्सर अकेले रह जाते हैं। बाबा भी आते होंगे, मैं चाय भिजवाती हूँ।